आप लोग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फिनिक्स राइजिंग। एक नई सीरीज जो हमने शुरू करी थी, ये उसका सेकेंड एपिसोड है। एंड यार, फर्स्ट एपिसोड नहीं देख रहे तो क्या करो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही। एंड अगर वीडियो को देखने के बाद पसंद आया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड लाइक भी कर देना वीडियो, ताकि आगे एंड बेल आइकन भी दबा देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता लगता रहे मैं कब अपलोड कर रहा हूँ कब नहीं। तो अब हम ये अपनी गेम के साथ कंटिन्यू करते हैं कि हमें गेम में आगे क्या करना था। तो गेम में हम आ गए थे, शायद ये नॉक्टर्नल टाउन है, इसमें हमें अपनी उंगली मारनी है, यानी कि इस पूरे टाउन में हमें घूमना है इधर उधर, हर एक घर में जाके हमें हर एक बंदे के अंदर उंगली मारनी है कि भाई कुछ देना है तो दो वरना पढ़ दो, किसी और टाउन के बिजनेस में हमें उंगली बाजी करनी है। तो सिंपल सी बात ये है। तो अभी तो मैं थोड़ी बातचीत कर रहा हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ आसपास इस टाउन के बारे में, एंड फिर आगे जाके देखेंगे क्या करना है हमें। ओके, पोकेबॉल, एक पोकेबॉल मिल गई, बहुत बढ़िया, हमें रोड पर पड़ी हुई अचानक से, बहुत थैंक यू भाई जिसने भी फेंकी है यहाँ पर। एंड एक चलो भाई दादी माँ के घर में घुस के पूछते हैं भाई, ओके दादी जी कुछ दे रहे हो तो दे दो, ना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देखिए, ओ एक लव बॉल, थैंक यू भाई दादी जी ने कुछ दे दिया मेरे को। तो दादी जी भी काम आ गई थोड़ी सी, तब अब यहाँ से बाहर चलते हैं एंड अब पूरे अलग टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो यहाँ कैसी भीड़ सी लग रही है, हाँ जी क्या बेच रहा है ये, How do these crazy stones work? I am very glad you asked that kind sir. My evolution gems work by magic. Magic? I don't believe in magic. It is magic of evolution. My friends gave one of my gems to your Pokemon. What's the evolution before your very eyes? It says you stronger, faster, with more attacks. Can they evolve by Pokemon, mister? Any Pokemon, mister. Any and every Pokemon. Okay, bhai, to ye kya alag apne अंधेरी गुफाओं में से ढूंढे हुए मेगा स्टोन बेच रहा है जो हर एक पोकेमोन को इवॉल्व कर सकता है, कोई भी स्टोन। अफ्रॉड बट हिज सोल इज स्टफ, नन ऑफ दिस इज रियल, ऑफ कोर्स भाई। नाउ लेट्स रश टू द कंक्लूजन फोक्स, आई एम बट अ हम्बल सेल्समैन, अ स्मॉल बिजनेस ओनर, टू थिंक दैट आई विल रॉब यू स्वीट काइंड पीपल, यू हु टुक मी इन, हु इनवाइटेड मी इन योर हाउस, व्हाट आर द मैनर्स ऑफ मॉन्स्टर will reward such gracious with deceits. Not I certainly, I speak no lies. However, who is this woman, huh? Maybe she is the fraud here. Or her authority does this claim that I am a fake. This is Professor Lotus. She studies at Trinity University. Oh, a Pokemon प्रोफेसर, शी गॉट टू नो वट शी इज, या तो अब ही लोटस की तारीफ होने लग गई है कि वो, क्योंकि वो ट्रिनिटी से पड़ी हुई है। एंड आप लोगों ने बताया ट्रिनिटी इस रीजन की सबसे तगड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, उससे जो भी पढ़ता है वो गॉड बन जाता है, सिंपल सी बात यही है। आई वॉन्ट माई मनी बैक, वी ऑल डिजर्व अ रिफंड, अ रिफंड, रिफंड आज ही घंटा, यू वॉन्ट मी टू गिव यू मनी, ये ले लो अपनी मनी। लेके भाग गया बंदा, पता नहीं लगा किसको कहाँ गया। वेट डिड गो, ही डिसअपीयर्ड, देयर इज नो ट्रेस ऑफ हिम और आवर मनी। ओके भाई, तो बंदा भाई अचानक से हवा में गायब हो गया, भाई क्या इंसान है क्या है वो। हेलो सेट पे गया, स्टैंडिंग इवेंट रियली सच अ सिंपल सिचुएशन बट अ ड्रामेटिक टर्न, नाउ डिड यू गो ऑल दिस वे टू सर्च मी आउट ऑफ अ ट्रैंकुल टाउन, That's very brave. I apologize for the delays. Conflicts are had escalated in expected way, in unexpected way. Okay, bhai. तो जो भी ये जो ड्रामा हुआ यहाँ पे तगड़ा था, वो किसी को नहीं पता था जो होने वाला है। ऑफकोर्स ये ड्रामे जो होते हैं अचानक से ही होते हैं, किसी को पता नहीं होता है कि वो यहाँ पे होने वाले हैं। तो Growlithe then, a wise choice. The best ability of the three. Moreover, their evolution is known for the high offensive. Okay, Cyberpunk is their former टेरेंस, ओके भाई हेलो टेरेंस सर, टेरेंस नहीं वो डांसर वाला टेरेंस नहीं, ये फॉर्मर टेरेंस है ये, हाय देयर सर, ओके सॉरी थोड़ा सा जुकाम सा हो रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों क्या जुकाम तो हो ही गया है जुकाम।
ओके द फेस्टिवल ऑफ वी एंड नॉट इज मच गोइंग ऑन बट ही सीम्स ऑल राइट काइंड कोर्डियस कीप टू हिमसेल्फ। ओके भाई कोर्डियस का मतलब क्या होता है मेरे को नहीं पता भैया, अचानक नए नए वर्ड निकल के आते हैं तो पढ़ने में भी नहीं आते। मोर स्पेसिफिकली स्टोन्स आर यूज रिवॉर्ड द पर्पज ऑफ पोकेमॉन सर्टेन टेरिट्स एंड आई हैव बीन कलीग ऑफ मैनी ईयर्स विद हिज फार्म वी हैव देयरफॉर फेमिलियर विद माई वर्क रिगार्डिंग आर्टिफैक्ट्स एंड अदर स्टफ्स जो भी था बस द मैजिक मैजिक स्टोन्स क्यों बोल रहे भाई, मैजिक स्टोन्स नहीं है मैगा स्टोन्स है। Terence was suspicious of the quick man, quick turnaround, and called me. And you saw the results of the. Okay, तो ये सब plan कर रखा था इन्होंने पहले से ही, कैसे करना है क्या करना है। Professor Lotus, you will find him. I have the utmost faith in you. Okay, भाई तो farmer भाई साहब जो है हमारे, उनको अपनी पूरी faith है in Lotus. प्रोफेसर लोटस पे कि वो ढूंढ निकालेंगे, लेकिन ढूंढ के तो हमें ही निकालना है क्योंकि मेरे को पता है क्या ड्रामे चल रहे हैं यहाँ पे। ओके तो हम भाई मेन करेक्टर है गेम के, तो हमें ही ढूंढ के निकालना पड़ेगा उसे, चाहे कोई दूसरा बंदा गेम इन गेम में कितना भी फेमस हो, लेकिन हम तो मेन करेक्टर तो हम ही हैं भाई, कुछ भी कह लो। ओके इट माइट बी गुड फॉर यू, आई विल फाइंड यू एज सून एज आई कैन। ओके तो अभी मेरे को इसका फॉर्म में जाके ढूंढना है एंड उस बंदे को ढूंढना है। अब इसको पूरा भरोसा है कि वो मेरे फॉर्म में ही चुका होगा, एंड ये भरोसा जो है ये कॉन्फिडेंस इसके अंदर कहाँ से आया मेरे को नहीं पता, कि हो भी सकता है ये से मिला हो या ना मिला हो क्योंकि भाई इतनी बड़ी मतलब वो है, रीज़न है, कहीं भी जाके छुप सकता है वो, ज़रूरी ढूंढ है इसके फॉर्म में ही जाके छुपेगा, वहाँ पे कैसे ना हीरे मोती गाड़ के रखे। ओके तो पहले इस घर के अंदर देखते हैं एंड ये क्या है, ईथर, थैंक यू सर जी ईथर के लिए, उठा लूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं, हु सेड यू कैन पिक दैट, जस्ट किडिंग, ओके आई एम द पीपी गाय एवरीवन नो। ओके तो बंदे को थोड़ा मजाक सूख रहा था, ये पीपी गाय है जो मतलब पीपी से कुछ करता है, पीपी से पीपी पीपी पता नहीं क्या करता है। तो ये दो बेरीज लगी यहाँ पे, पैचा बेरीज शायद यूज़ होती हैं पॉइजन हटाने के लिए, मेरे को पक्का नहीं पता लेकिन शायद पॉइजन हटाने के लिए यूज़ होती है, तो काम आएगी आगे रख लेते हैं भाई, फ्री की चीज़ है यार, काम तो आ ही जाएगी कभी ना कभी, नहीं आएगी तो फेंक देंगे। ओके सॉरी जुकाम हो रहा है मेरे को। ओके भाई यू कैन गो थ्रू देयर द ट्रैक्टर ब्रोकन डाउन सर, वो ट्रैक्टर नहीं है, उसको किसी भी एंगल से देखो वो ट्रैक्टर नहीं है, उस बुलडोजर कहते हैं ठीक है ना, वो ट्रैक्टर नहीं है। ओके तो मार्केट तो बड़ी बढ़िया से बना रखी है एंड मेरे पास एक भी पोकेबॉल नहीं है, बस वही पोकेबॉल है जो मेरे को मिली थी, एंड वो प्रोफेसर मेरे को पोकेबॉल आगे देगी या नहीं देगी उसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो अब पोकेबॉल खरीद लिए तो रिपेल भी खरीद लेते हैं क्योंकि रिपेल भी एक ज़रूरतमंद चीज़ तो है ही भाई, एंड ऊपर से मेरे पास 8,000 रुपये थे वो मैंने सारे उड़ा दिए, क्या करें भाई गेम की स्टार्टिंग में 8,000 रुपये, वरना तो भाई गरीबों की तरह स्टार्ट होती है सारी गेमें, कुछ भी नहीं होता, ज़ीरो रुपीज़ लेके घूमते हैं। ओके तो अब आगे चलते हैं इसके फार्म की तरफ, यहीं से है क्या इसका फार्म, वो तो मेरे को दूसरे टाउन में जाने का रास्ता लग रहा है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है यहाँ से जाने का, तो मैंने सो शायद वही होगा, तो वहीं से चलते हैं हम उसके फार्म की तरफ, शायद ये फार्म ये निकले। ओके ओके तो यहाँ पे भी बात कर लेते हैं यार किसी से, कुछ बढ़िया सी आइटम वाइटम दे दे कोई, काम आ जाएगी। ये भी नहीं दे रही, पता नहीं क्या बोली जा रही है वही, अच्छा एक बंदा रह गया था ना वो, हाँ ये वाला, हाँ जी सर कुछ, अच्छा ये बंदा नहीं है छोटी सी बच्ची है, ये क्या देगी मेरे को, मैं इसको 10 रुपये दे देता हूँ जब से टॉफ़ी खाली हो। ओके तो बैटल फास्ट करने के लिए जी दबाना है। ओके तो ये तो काफ़ी अच्छा फीचर है भाई, अगर मेरे को जल्दी से बैटल करना है जैसे छोटे मोटे ट्रेनर्स होते हैं इनसे बैटल करना है, तो मैं जेड दबा के मतलब स्पीड बढ़ा सकता हूँ बैटल की, बहुत बढ़िया, मेरे को वीडियो में स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गेम के अंदर भी ऑप्शन है ये, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये, ऐसी गेम ऐसे ऑप्शन होने चाहिए यार हर गेम में, हैंडमेड गेम्स जो होते हैं ना उनकी यही बात होती है कि वो जो
मेन गेम्स में जो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते हैं ना, वो उन फैन मेड गेम्स में डाल देते हैं जो उनको एक अलग यूनिक फीचर देती है अपना। ओके, तो पीजी भी आउट हो गया, तो अपने भाई अपने पहले ट्रेनर बैटल को हरा दिया है। इससे पहले हमारा कोई ट्रेनर बैटल नहीं हुआ है। तो आगे चलते हैं यहाँ से। और ये लाइट हाउस का क्या बना रखा है यहाँ पे, एक पोकी बॉल जिसमें था पैरालाइज हील, थैंक यू जिसने भी फेंका था यहाँ पे। एंड बैक में देखते हैं, एक मिनट के देख रहा था मेरे को ओरन। अच्छा हाँ, ओरन वेरीज थी ना मेरे पास ये, तो मैं इसको यूज़ भी कर लेता हूँ एंड इसको मैं दे भी दूंगा कि आगे बैटल में ये काम आएंगी। इसके भाई बैरी से के करना क्या है, आगे जब पोशन ही काम आने वाले हैं, बैरीज इतना असर करेंगे नहीं जब लेवल ज़्यादा हो जाएंगे, तो अभी बैरीज को यूज़ कर लो, वही सबसे बेस्ट रहेगा। वो बैरीज जो HP बढ़ाती हैं, ना कि सारी बैरीज, बस वो उन बैरीज को अभी यूज़ कर लो जो HP बढ़ाती हैं, क्योंकि ओरन बैरी आगे जाके इतनी सारी HP नहीं देगी, वो शायद 10 HP देती है बस। ओके, तो हमें ये छोटे से बच्चे से बैटल करना है यहाँ से। यदि उसके बाद आगे भी एक पोके बॉल पड़ी थी, फिर उसको जाके उठा लेंगे, देखेंगे उसमें क्या है। टेलो, बाय बाय टेलो। नहीं, एक शॉट, मेरे को लगा एक शॉट करने वाला है। नहीं भाई, चल कोई नहीं, हरा तो दिया ही, चाहे एक शॉट हो चाहे डबल शॉट हो। तो अब इस पोके बॉल में देखते हैं क्या है। ओके, तो इसमें है रेयर कैंटी, और वो जो अभी फ्लैश चमकी थी वो था अपना इनकाउंटर जो मैंने काट दिया। वरना भाई बहुत, ये बहुत सारे ऐसे इनकाउंटर होते हैं, बहुत दिमाग खराब करते हैं इनकाउंटर, पता नहीं क्या भाई इतने सारे इनकाउंटर देने की क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है भाई। नॉर्मल इनकाउंटर दो भाई, इतना हर 2 कदम के बाद एक इनकाउंटर, हर 2 कदम के बाद एक इनकाउंटर, हर होती है भाई। नहीं पकड़ने मेरे को इतने सारे पोकेमोन, मेरी जेब नहीं है इतनी बड़ी कि मैं 36 के 36 पोकेमोन उसके अंदर रख लूँ। ओके, तो ओके, स्लो पोक से, स्लो पोक है इसके पास, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वाटर टाइप है। एंड मेरा आर्कनाइन जो है प्यारा सा पपी, वो है एक फायर टाइप। एंड 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 सुला दिया, सुला दिया सच में भाई। उसको उठाने के लिए भी है कुछ नहीं मेरे पास, अब एक नहीं है मेरे पास, ना कोई बैरी है। तो क्या कर सकते हैं अभी हम। ओके, अच्छा हाँ, इसको जो बैरी दी थी वो यहाँ पे काम आ गई ना, अभी स्लोपो के ऐसे जैसे करेंगे। हाँ, नहीं तो बार बार सुला देता है भाई। डिफेंस रोज, अच्छा डिफेंस बढ़ा रहा है अपना, कोई अटैक नहीं है इसके पास, बस डिफेंस डिफेंस बढ़ाया जा रहा है अपना। ओके, तो अब टेलो को, मतलब इस टेलो बोल रहा हूँ, इस स्लो पोक को हमने हरा दिया, छोटी सी बच्ची को जिसने हमें थोड़ी सी दिक्कत दे दी थी, इसको हरा दिया मैंने। लेकिन अब यहाँ से आगे चलते हैं, एंड यहाँ पे कुछ और बेरीज लगी हुई हैं जो कि है लेपा बेरी। ओके, थैंक यू भाई, जो भी काम करती है बेरी कुछ ना कुछ तो करेगी भाई। एंड ये है पर्सियम बेरी। ओके, पर्शियन बेरी नहीं है ये, पर्शियन बेरी पर्शियन पोकेमोन नहीं है ये, बेरी है। तो एंड यहाँ पे कुछ और ट्रेनर्स खड़े हुए हैं, लेकिन ओ ये डिकाउंट मेरे को भी थोड़ी देर के लग रहा था ये स्पिनर है, शाइनी है पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं भाई ये नॉर्मल स्पिनर है, क्या तो उसको हटा देते हैं। एंड ये भी ट्रेनर है क्या, नहीं ये बस फालतू में खड़ी है यहाँ पे, तो ये ट्रेनर है, जल्दी से बैटल कर लेता हूँ मैं। ओके, तो उस बंदे के पास भाई मिल्क टैंक थी, मैं थोड़ी देर के लिए डर गया था, भाई बंदे के पास मिल्क टैंक है। एंड मेरा ग्राउलेट भी इतना फुल्ली हील वगैरह कुछ है नहीं लेकिन फिर भी चलो हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई अभी के लिए। तो उस बंदे के पास देखते हैं क्या है, प्लीज़ मिल्क टैंक मत रखियो अपने पास। ओके, हाँ भाई छोटे से बच्चे हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे पोकेमोन लेके घूम रहे भाई, हद है भाई, कोई वो ही नहीं है पेरेंट्स का कंट्रोल ही नहीं है इन पे। ओके, ये बड्डू फाइटर के सामने वीक है क्योंकि एक बग है शायद,
बग है, ये ग्रास टाइप है, ग्रास टाइप है, ये बग टाइप है वर्म पोल। तो ओके, तो ये वाला ट्रेनर तो कुछ आसान था, बढ़िया था, तो काम बन गया, वरना तो मिल टैंक होती इसके पास दो दो तो ऐसी तैसी हो जाती। एंड इस घर में जाके देख लेते हैं भाई, क्योंकि अब आगे बढ़ना है हमें यहाँ से। तो यहाँ पे अकल है एक आंटी दादी जी। हाँ भाई ओके, तो ये एक हीलिंग स्पॉट है छोटा सा, बढ़िया। मेरे को लगा मेरे को वापस पोकेमॉन सेंटर जाना पड़ेगा अपना हील करने। एंड अब मैं पोकेमॉन सेंटर की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक भी बार शायद पोकेमॉन सेंटर के अंदर नहीं गया हूँ। ओके, ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगर मैं आउट हो गया या अगर आगे कोई बैटल आया खतरनाक सा, उसमें मेरे पोकेमॉन फेंट हो गए, तो मैं वापस अपने फर्स्ट टाउन में पहुंच जाऊंगा, जो कि होगा नॉक्टर्नल टाउन में, ना कि ट्रैंक्विल टाउन में। ये दिक्कत वाली बात है, तो ये एक बात ध्यान रखनी है मेरे को कि आउट नहीं होना है मेरे को। ओके, ये कुआ सा खोद रखा है बस, यहाँ पे सूखा कुआ। ओके, तो अब अच्छा मैं अपना मेन मकसद तो भूल ही गया, इसी को ढूंढने आए थे हम यहाँ पे। मैं वही ट्रेनर में इतना बिजी हो गया कि मेरे को ध्यान भी ना, इस बंदे को ढूंढना है मेरे को। राइट अंडर देयर नोज। ओके भाई, नाक के नीचे छुप तो गया, लेकिन तू क्या करे भाई, नाक इतनी पड़ेगी तो आराम से दिख रहा है वहाँ से भी। हाँ जी सर। ओ गेट अवे फ्रॉम मी, आई डिडेंट डू एनी थिंग रॉन्ग। भाई तूने हर चीज़ रॉन्ग करी है, आई डिडेंट डू एनी थिंग रॉन्ग। ज़्यादा मत बनिए हो, हाँ आराम से बात कर ले। हे हाउ अबाउट यू, यू एंड आई मेक अ डील, म्यूचुअल बेनिफिट्स आई प्रॉमिस। आई एम स्किपिंग टाउन, आई एम अ फ्री स्पिरिट यू नो, गोना विद द विन नाउ दैट आई एम हेयर फॉर वेरी लॉन्ग, बट दिस सेम सो रियली वी आर ट्राइंग टू लुक लॉक मी, आई एम आउट ऑफ देयर हेयर। ओके भाई, तो ये बंदा मेरे को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आओ भाई, हम दोनों हाथ मिला लेते हैं, आधा हिस्सा तुम्हारा आधा मेरा। फिर वो आधा तुमको कब मिलेगा मेरे को नहीं पता, मैं लेके भाग जाऊँगा सारा। आई एम लिविंग दिस टू ऑल ट्रैंकल। ओके भाई, तो ये बंदा ट्रैंकल छोड़ने की बात कर रहा है। ऑफ कोर्स अ फेवलेस पार्टिंग गिफ्ट, आई अंडरस्टैंड इफ यू डोंट टेक दिट। ओके, आई एम नॉट गिविंग अप ईजी पिकिंग अप, दैट इज पुटिंग यू। ओके, तो यहाँ पे मेरे को क्या है, चॉइस करना नहीं, चॉइस करनी है। ओके, तो ये चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस बंदे के हाव भाव देख के मैं नो करूँगा, क्योंकि ये बंदा एक फ्रॉड है, मैं फ्रॉड के साथ कुछ भी ज़्यादा डील वील नहीं करना चाहता। तो आम सी बात है, जो भी एक फ्रॉड बंदा तुम्हें ऑफर दे, ऑफकोर्स से नो, थोड़ा अपना दिमाग लगा के से नो। ओके, तो अब बंदे को गुस्सा आ गया, तो बैटल करेगा ये मेरे से, और बंदे के पास गैस ली है। ओके कोई नहीं, मेरे पास सुपर इफेक्टिव टाइप मूव है, जो कि है बाइट। गोस के सामने डार्क टाइप मूव काफ़ी बढ़िया रहता है, तो बाय बाय गैसली, वन शॉट कर दिया हमने गैसली को, 7 लेवल का था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। एंड सेकेंड पोकेमॉन इसका क्या है, एंड ग्राउंड हो गया मेरा 10th का, ऑर्डर स्लूथ। ऑर्डर स्लूथ सीख रहा है, एंड तो सिखा देते हैं यार, वैसे इतना कोई बढ़िया अटैक नहीं है, बस ऑर्डर स्लू सही होता है कि हम गोस्ट टाइप को भी किसी भी मूव से हिट कर सकते हैं, जैसे कि आप गोस्ट टाइप को फिजिकल मूव से हिट नहीं कर सकते, लेकिन ऑर्डर स्लू यूज़ करके हम कर सकते हैं, तो वो इतना खास नहीं है, लेकिन आगे जाके काम आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, एटलीस्ट लियर से तो बेटर ही है। ओके, तो अब है स्क्रैगी, ये थोड़ी दिक्कत दे सकता है, क्योंकि खुद डार्क टाइप है एंड ग्राउंड टाइप है। नहीं अभी तो शायद ये सिर्फ ग्राउंड टाइप है, डार्क टाइप तो है ही नहीं अभी ये। ओके, तो बाइट करके देखते हैं इस पर, ज़्यादा डैमेज तो नहीं हो रहा है। दिक्कत पड़ जाएगी, एम बरी करते हैं, एटलीस्ट बाइट से ज़्यादा तो डैमेज करेगी वो। हाँ ऑफ कोर्स भाई, तो एम बरी करेंगे एंड अपने आप को हील करते रहना, वरना दिक्कत हो जाएगी। एंड मैं सोच रहा हूँ एक और हेड बट ले सकता है ये अपने ऊपर, बर्न भी हो गया ऐसे, बहुत बढ़िया। यस, एक और हेड बट झेल गया ये, मेरे को लग रहा था भाई मेरा क्राउलेट हेड बट झेल जाएगा, तो ऑफ कोर्स वो हेड बट झेल गया। एंड पोशन एंड बर्न की वजह से वो भी स्क्रैगी भी हार गया, तो ये स्क्रैगी वाली थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई थी। अगर मैं इसमें आउट हो जाता तो मैं वापस अपने नॉक्टर्नल टाउन में पहुँच जाता, पहली वाली सिटी में, एंड वहाँ से वापस पैदल आना बहुत दिक्कत हो जाती। आई कैंट बिलीव इट माई डेयरिंग एस्केप फूल बाय टीनेजर, व्हाट अ वर्ल्ड, आई नेवर बीन अ सच अ ट्रेनर, बट दिस इज स्टिल वेरी एम्बेरसिंग, आई हैव नो वे टू दिस डेयरिंग, सो आई गेस आई विल कम क्वाइटली और व्हाटएवर।
ओके तो भाई बंदे ने अब पूरी तरह हार मान ली। सेट ओके दिस सीम्स वी हैव द सेम आइडिया बट यू कैप्चर द फ्रॉड ट्रूली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। हेलो सर अ प्लेजर टू सी यू अगेन। चिड़ा हुआ है सेट ओके आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस मैन टू द अथॉरिटीज। आई स्टिल नीड टू स्पीक विद यू हाउएवर यू कैन मीट इन मी एंड द पोकेमॉन सेंटर। इफ यू नॉट येट अवेयर इट्स अ लार्ज रेड बिल्डिंग इन ट्रैंक्विल। राइट दिस वे सर। हाँ जी सर आइए इस तरफ है आपकी जेल का दरवाज़ा आइए हमारे साथ चलिए। ओके तो हमने इस फ्रॉड को पकड़ लिया। हमारा क्वेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड रिफेल भी हमारी ऑफ हो चुकी है। मैंने एक रिफेल यूज़ करी थी अब वो ऑफ हो चुकी है तो हम यहाँ से ऊपर आगे देखते हैं कुछ है क्या आगे। हाँ है तो सही लेकिन मेरे को पानी क्रॉस करके जाना पड़ेगा एंड मेरा आज भीगने का बिल्कुल मूड नहीं है तो वापस चलते हैं। ओ सॉरी भाई मैं बिल टैंक से गलती से टकरा गया। बिल टैंक का मूड ख़राब हो गया कि मेरे को छेड़ रहा है। लेकिन कोई नहीं बाकी बिल टैंक तो खुश है ना। हाँ भाई खुश हैं चलो उसको छोड़ो अब आगे चलते हैं यहाँ से। अब वापस चलते हैं अपने पोकेमॉन सेंटर की तरफ। तो अब पोकेमॉन सेंटर में जाके मिलता हूँ मैं आपको। ओके तो मैं टेरेंस के फार्म से वापस अपने ट्रैंक्विल टाउन में आ चुका हूँ एंड ये है अपना पोकेमॉन सेंटर जिसमें मैं एक भी बार नहीं गया हूँ। तो मैं आज का अपना ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म करूँगा फीनिक्स राइजन का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन भी दबा देना। तो अपनी अगले वीडियो में अब हम आगे जाएंगे अपनी प्रोफेसर लोटस से बात करने कि क्या आगे का प्रोसीजर है कि मेरे को पोकेडेक्स मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है मेरे को खुद खरीदना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही देख लेना शुक्रिया थैंक यू प्लीज़।